बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हाजिर सर्विस मुलाजमीन को दौरान सर्विस उनकी तनख्वाह में हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, और इसके अलावा मकानात की हायरिंग के लिए भी उनको फैसिलिटी जो है ना वो दस्तियाब होती है, मुहैया की जाती है। महंगाई के इस होशरुबा दौर में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को भी पेंशन के साथ हायरिंग की सहूलत या हाउस रेंट अलाउंस उनकी पेंशन में दिया जाए, उनको जो महाना पेंशन मिलती है उसमें शामिल किया जाए, हाउस रेंट अलाउंस मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पेंशनर्स भी घरों में रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो जो ही वो मुलाजमत से रिटायर होते हैं तो उन्होंने फिर झोंपड़ी में रहना शुरू कर देना होता है, ऐसा नहीं होता। वो भी घरों में रहते हैं, और उन घरों में रहते हैं जहां अब महंगाई के इस दौर में उन मकानात के किराए जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स जो किराए के मकानों में रहते हैं उनकी पेंशन का ज़्यादा हिस्सा जो है वो किराए की नज़र हो जाता है, मकान के किराए में चला जाता है। इसलिए हमारा ये मुतालबा है, पेंशनर्स का ये मुतालबा है कि उन्हें भी पेंशन के साथ हाउस रेंट अलाउंस दिया जाए, जिस तरह मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। ये मेडिकल अलाउंस पहले नहीं मिलता था, ये जुलाई 2010 में पेंशन में शामिल हुआ है। गो इस मेडिकल अलाउंस से इलाज मुआलजे और दवाइयों के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं होते, लेकिन चलो आटे में नमक के बराबर ही सही, ये सहूलत रिटायर्ड मुलाजमीन को मिल रही है मेडिकल अलाउंस की सूरत में। इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स की पेंशन में हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाए। मेरी जो अहबाब ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस मुतालबे को ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हुकाम बाला तक हमारी ये आवाज़ और मुतालबा पहुंच सके, और पेंशनर्स की जो तंजीमें सरगर्म अमल हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये मुतालबा जो है ना हाउस रेंट अलाउंस वाला पेंशन में शामिल किए जाने का, ये अपने मुतालबात में शामिल रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।